देखो बच्चों, अगर आपको निकालना हो डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड, तो आप कैसे निकालोगे, मैं आज आपको सिखाता हूँ वेक्टर मॉडल। ठीक है बच्चों, देखो वेक्टर मॉडल क्या है। बच्चों देखो, आपने पढ़ा होगा एक्स वाई जेड। अब मान लिया बच्चों देखो, इस बार में करंट फ्लो हो रही है, जानते हो कहाँ चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। बच्चों देखो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या डायरेक्शन होगा, अगर आपको निकालना हो कि ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ठीक बच्चों, क्या होगा देखो मॉडल में, देखो बच्चों आप एक सामना कर लो डीएल क्रॉस आर। इसका मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उसे कहते हैं डीएल। ये क्रॉस आर मतलब क्या होगा, जहां पे निकालना है। देखो यक्स में फ्लो रही, यक्स मतलब आई, और जे पे निकालना आई क्रॉस जे। बच्चों ये फार्मूला आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, तो मतलब जेड की तरफ होगा, आंसर आ गया जेड। क्लियर हो बच्चों, उसे देखो मान लिया आपको नीचे निकालना है, सपोज करो ठीक, मान लिया अगर आपको नीचे निकालना है बच्चों, क्लियर हुआ, तो क्या होगा डीएल क्रॉस आर। डीएल मतलब क्या, डीएल मतलब क्या हो गया यक्स, तो ये हो गया बच्चों आई क्रॉस जे। ठीक देखो नीचे मतलब क्या होगा, देखो माइनस वाई मतलब माइनस वाई, तो आई क्रॉस माइनस जे। तो ये देखो बच्चों क्या हो गया, आई क्रॉस जे मतलब क्या होता है के, और माइनस जे मतलब क्या आ गया माइनस की। ठीक तो आई क्रॉस माइनस जे क्या आ गया, माइनस की आ गया। क्लियर हो बच्चों, ठीक। अब बात करते हैं बच्चों, सपोज करो कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और आपको यहां निकालना है, देखो करंट जा रहा है ऊपर, मतलब डीएल क्रॉस आ रहा, पहले लिख लो। ये तो कितना आ गया बच्चों, माइनस के आ गया। ठीक है डीएल क्रॉस आ मतलब क्या हुआ, माइनस के आ गया। कैसे आया, जे क्रॉस आई मतलब क्या हुआ, के आई क्रॉस जे मतलब क्या हुआ, जे उल्टा उसका। ठीक है बच्चों, मैं आपको दो फार्मूला लिख दूंगा यहाँ पे, तो फार्मूला याद कर लेना, आई क्रॉस जे जे क्रॉस कितना होता है। ये वेक्टर मॉडल बच्चों, के मतलब क्या हुआ, जे डायरेक्शन में। अच्छा ये बहुत ही आसान मॉडल है, आप मैक्सवेल का या फ्लेमिंग का नियम लगा, कंफ्यूजन रहेगा इसमें बच्चों, कोई कंफ्यूजन डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, तो कोई एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो आप लोग फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है देखो बच्चों, आई क्रॉस जे क्या हुआ, के हुआ, अगर इसका उल्टा आ जाए जे क्रॉस आई तो माइनस के हो जाएगा, जे क्रॉस के आई हुआ इसका उल्टा माइनस आई, के क्रॉस आई जे हुआ इसका उल्टा आई क्रॉस के तो कितना होगा, माइनस जे होगा। ठीक है बच्चों, ये तीनों फॉर्मूले को याद रख लेना, वेक्टर मॉडल पे कहीं भी कोई भी सवाल आएगा आप तुरंत निकाल सकते हो उसमें रख के। ठीक है, और मेन फॉर्मूला क्या याद करो, डीएल क्रॉस आर याद रखना। ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल रख लेना, डीएल क्रॉस आर। ठीक है बच्चों,